बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी गोभी कीमा। तो इसके लिए मैंने आधा किलोग्राम कीमा ले लिया है और दो प्याज जो है वो रफली काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं खड़े मसाले, साबुत गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ ग्लास वाटर का शामिल करने के बाद मैं प्रेशर ऑन कर दूंगी। साथ ही में मैंने गोभी काट ली है और ओपन किया है मैंने ढक्कन, और देखें जी कीमा गल चुका है। इसके बाद मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद चार टमाटर काट के डाल रही हूँ और अब हम अच्छे से हम उसकी भुनाई करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन पेस्ट जो है ऐड कर रही हूँ और 3-4 हरी मिर्चें काट के तो कीमे को मैं अच्छे से भून लूँगी। हैप्पी फैमिली ने क्वेश्चन किया है कि आपकी कुकिंग वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो जी कुकिंग वीडियोस शूट हुई पड़ी होती हैं गैलरी में लेकिन एडिट करना ही रह जाती हैं बस। तो जनाब आज जो है वो कुकिंग वीडियो जो है मैं अपलोड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अब मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून क्रश चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ। 1 किलोग्राम गोभी जो है मैंने काट के अच्छी तरह से धो ली थी और अब मैं प्रेशर कुकर में गोभी को भी जो है कीमे के साथ ऐड करके तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। बिकॉज आज बहुत गर्मी थी तो सोचा झटपट से बस बन जाए खाना, तो गोभी को भी मैं प्रेशर कुकर में ही सॉफ्ट कर लूँगी। प्रेशर कुकर ऑन कर दूंगी। अच्छे से भुनाई करने के बाद जो है इसमें मैं तकरीबन 1/2 गिलास जो है वो पानी का ऐड करूंगी, जिसमें गोभी और कीमा जो है वो दोनों अच्छे से गल जाएगा और प्रेशर कुकर में जो सारे स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे से मर्ज हो जाते हैं। जस्ट 10 मिनट्स का प्रेशर कुकर ऑन करूंगी। 10 मिनट्स के बाद जो है वो मैं लिड को ओपन कर रही हूँ। देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। तो तकरीबन गोभी और कीमा जो है वो गल चुका है और तकरीबन रेडी है हमारा गोभी कीमा। पेशावरी गोभी कीमा में जो गोभी के फूल होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के काटे जाते हैं, कुछ इलाकों में छोटी साइज़ की गोभी काटी जाती है, लेकिन पेशावरी गोभी कीमा में जो है वो गोभी का जो साइज़ है वो थोड़े बड़े साइज़ की कट की जाती है जी। तो 3-4 साबुत हरी मिर्च ऐड की हैं, धनिया काट के डाल दिया है और मज़ेदार गोभी कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।